गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर, चैप्टर नंबर 6, द माउस एंड द एंट। स्टूडेंट्स, हमने जो है इस चैप्टर की बुक रीडिंग कर ली थी, स्टोरी पढ़ी थी ना आपने ये। नेक्स्ट लेट मी स्टार्ट अवर एक्टिविटीज। एक्टिविटी फर्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट जो है, बॉयज एंड गर्ल्स कैरीड बॉटल्स ऑफ शुगर वाटर फॉर। बॉयज एंड गर्ल्स चीनी के पानी की जो बॉटल्स क्यों लेके जाते थे, किसके लिए लेके जाते थे? ए द ब्लैक बियर्स, द ग्रेट बफेलोज, द माउस एंड द एंट, या द बेबी बियर्स। किसके लिए लेके जाते थे बच्चों? बेबी बियर्स के लिए। तो किस पे टिक मार्क करोगे? बेबी बियर्स पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, लिटिल मास्टर माउस एंड टीनी मिस्ट्रेस एंट लिव्ड इन अ केव अंडर। कहाँ पे रहते थे? लिटिल मास्टर माउस, टीनी मिस्ट्रेस एंट, गुफा के, गुफा में रहते थे ना, अंडर द ए ट्री, ए हाउस, ए रॉक, नन ऑफ दिस, रॉक, अंडर द रॉक, अंडर ए रॉक, रॉक पे टिक मार्क कीजिए, क्लियर। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोविंग इज स्ट्रॉन्गर देन वाइन। विच ऑफ द फॉलोविंग इज स्ट्रॉन्गर देन वाइन, वाइन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन था? जब आपने बुक रीडिंग की थी तो समझाया था ना कि वाइन से स्ट्रॉन्ग कौन था? द सन, नहीं ना, द हाउस, द क्लाउड, द स्नो, कौन था वाइन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग? द हाउस। किस पे टिक मार्क करोगे? हाउस पे, ओके। नेक्स्ट आपका आता है एक्टिविटी सेकेंड, हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो कथन है, स्टेटमेंट क्या होता है? कथन, किसके द्वारा कहे गए हैं, है ना, या फिर कौन व्यक्ति इसको बात को बोल रहा है। फर्स्ट जो है आपका, द सन इज स्ट्रॉन्गर देन आई एम। सूर्य जो है वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सूर्य जो है वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बात किसने कही थी? स्नो ने। किसने कही थी? स्नो ने। भाई जब जो स्नो है वो आइस के रूप में जम जाती है ना, अच्छे से फ्रीज हो जाती है, तो उसके बाद उसको मेल्ट कौन करता है? सन करता है ना। तो स्नो ने कही थी ये बात कि जो सन है वो मुझसे ज़्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या आएगा? स्नो, एस एन ओ डब्ल्यू, स्नो। नेक्स्ट आपका, व्हेन दे पास बिफोर मी दे हाइड माय फेस। जब वो मेरे आगे से गुजरते हैं तो मुझे, मेरे जो चेहरा है उसको छुपा देते हैं, है ना। किसने कही थी ये बात? सन ने कही थी, क्योंकि जब क्लाउड जो है उसके आगे से निकलते हैं तो उसको क्या कर देते हैं? छुपा देते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एस यू एन, सन। फिल करते हुए जाना बच्चों साथ में। ए हाउस इज स्ट्रॉन्गर देन आई एम, जो एक घर है वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है। किसने कही थी? किससे ज़्यादा स्ट्रांग है? वाइन से ज़्यादा स्ट्रांग है ना हाउस। तो किसने कही थी ये बात? वाइन ने कही थी, डब्ल्यू आई एन डी, वाइंड, वाइन ने कही थी बच्चों। नेक्स्ट है, आर यू नॉट द स्ट्रांगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। क्या तुम इस संसार में सबसे बड़े नहीं हो, सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो? किसने कही थी ये बात? तो मिस्ट्रेस एंटी तो बोल रही थी बार बार, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? मिस्ट्रेस एंट, एम आई एस टी
आर ई डबल एस मिस्ट्रेस एंड ए एन टी एंड। एक बार फिर से देखिए, आर यू नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, क्या तुम इस संसार में सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो। ये बात जो है मिस्ट्रेस एंड बार बार बोल रही थी, है ना, जब भी जिससे मिलती तो उसे पूछती थी, आर यू नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, है ना। नेक्स्ट आपका आता है गुड डे, अच्छा दिन। मिस्ट्रेस एंड ने कहा, आई एम वेरी ग्लेड टू सी यू हेयर अगेन, अच्छा दिन है मिस्ट्रेस एंड, मैं आपको यहाँ पे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, है ना। किसने कही थी ये बात? मास्टर माउस ने कही थी ना ये बात। लिखिए यहाँ पे फिल करो, एम ए एस टी ई आर मास्टर एम ओ यू एस ई माउस, मास्टर माउस। ओके बच्चों, इन सबको फिल करो और उसके बाद आपको क्या करना है, होमवर्क में करनी है दोनों एक्टिविटीज। एक बार फिर से देख लीजिए, फर्स्ट जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स कैरीड बॉटल ऑफ शुगर वाटर फॉर, किसके लिए लेके जाते थे, बेबी बियर्स के लिए। लिटिल मास्टर माउस एंड टीनी मिस्ट्रेस एंड लिव्ड इन ए केव अंडर द रॉक, रॉक के पास में एक केव थी उसमें रहते थे ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गर देन वाइन, कौन जो है वाइन से ज़्यादा ताकतवर था, कौन था, हाउस। स्टेटमेंट्स देखिए, द सन इज स्ट्रॉन्गर देन आई एम, किसने कही थी, स्नो ने। वैन दे पास बिफोर मी दे हाइड माई फेस, तो वो क्या कर लेते हैं, मेरे चेहरे को छिपा लेते हैं। किसने कही थी ये बात, सन ने। ए हाउस इज स्ट्रॉन्गर देन आई एम, जो एक घर है मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है, ये वाली बात किसने कही थी, वाइन ने कही थी, घर जो है मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है, वाइन ने कही थी। आर यू नॉट द स्ट्रांगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, ये बात किसने कही थी, मिस्ट्रेस एंड ने। गुड डे मिस्ट्रेस एंड, आई एम वेरी ग्लेड टू सी यू हेयर अगेन, अच्छा दिन था मिस्ट्रेस एंड, मैं आपको यहाँ पे देख के बहुत ही खुश था, खुश हूँ, है ना। किसने कही थी ये बात, मास्टर माउस ने। ओके बच्चों, एक्टिविटी ए फर्स्ट एंड सेकेंड, डू इन योर होमवर्क नोटबुक, राइट नीट एंड क्लीन। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।